नमस्कार दोस्तों, तो क्वेश्चन पोल में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो तीन चार क्वेश्चन ऐसे जो पोलिंग किए थे जिसका परसेंटेज गलत आ रहा है, तो इस वीडियो में मैं वही बताऊंगा कि उसका आंसर सही क्या होगा। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो ये प्रश्न है, अभी तीन घंटा पहले ही इसको अपलोड किए थे। दिया है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 3% जो अनुच्छेद 15 को लगाए हैं जो गलत है, 17 अनुच्छेद 17 को 5% लगाए ये भी गलत है आंसर, अनुच्छेद 21 को 73% लगाए हैं, सबसे ज्यादा इसी को वोटिंग मिला है या पोल हुआ है, ये भी आपका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर है वह है अनुच्छेद 22, जिसको केवल 18% में ही लगाए हैं। तो इसको याद रखिएगा, इसका आंसर राइट होगा, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है, तो वह है अनुच्छेद 22 से प्रदत्त है। राइट आंसर इसका अनुच्छेद 22 होगा। एक और क्वेश्चन है इसमें जो एक दिन पहले इसको अपलोड किए थे। दिया है, निष्पादन बजट की अवधारणा ली गई है, तो कहां से ली गई है, जर्मनी से, फ्रांस, यूके या संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो जर्मनी से इसको परसेंटेज लगाया गया 6% जो गलत है, फ्रांस से लगाया गया 81%, सबसे ज्यादा यही है, ये भी आपका आंसर गलत होगा, फ्रांस से नहीं लिया गया है। इसका आंसर देखिए होगा जो इसमें राइट है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका से, जो केवल 7% लोगों ने इसको पोलिंग किया है, यूके से भी नहीं होगा। इसको याद रखिएगा, निष्पादन बजट की अवधारणा कहां से ली गई है, यूएसए से, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको अपलोड किए थे हम 6 दिन पहले, 1300 लोगों इसको वोटिंग भी किए हैं, 55 लाइक भी किए हैं इसमें। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा, कौन इतिहासकार था, बी ए स्मिथ, जे एन सरकार, ए एल श्रीवास्तव, इनमें से कोई नहीं। तो बी ए स्मिथ को 85% लोगों ने वोटिंग किया जो ये गलत है, बी ए स्मिथ नहीं होगा, जे एन सरकार भी नहीं होगा जो 5% वोटिंग किए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एल श्रीवास्तव, जो केवल 8% लोगों ने किया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा कि शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग किसने कहा था, तो ए एल श्रीवास्तव ने, इसका राइट आंसर ए एल श्रीवास्तव। तो ये था क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यहां अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।